आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश लर्निंग पार्ट थ्री की क्लास में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण शब्द जिससे आप इंग्लिश की किताब पढ़ना सीख सकते हैं। आज जो हम शब्द बता रहे हैं ऐसे कई सारे शब्द हैं, लेकिन इनमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप इन शब्दों को सीख गए तो आप इंग्लिश की किताब पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की किताब में अधिकतर ये शब्द आते हैं। बाकी आने वाली क्लास में हम और शब्द आपको बताएंगे जो आपको किताब पढ़ने में मदद करेंगे, लेकिन आपको किताब पढ़ना है शुरुआती तो आपको ये शब्द सीखना आना पड़ेगा। इन शब्दों का अर्थ आपको सीखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ABCD आती होगी और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में अपना नाम वाम लिख लेते होंगे। तो अब आपको किताब पढ़ना है, तो किताब पढ़ने के लिए इन शब्दों का आना विशेष आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि द का अर्थ, द यानी THE, द का अर्थ होता है यह वह वही, यानी द का जो अर्थ होता है यह वह वही। सेकंड जो शब्द है आपका वो है देट, यानी THAT, इसका अर्थ होता है वह। तीसरा आपका शब्द है दिस, THIS, इसका अर्थ होता है यह। पांचवा आपका शब्द है वास, WAS, वास यानी था। अगला आपका शब्द है वाट, WHAT, वाट यानी क्या। अगला आपका शब्द है वाई, WHY, वाई यानी क्यों। अगला आपका शब्द है वेरी, WERY, वेरी यानी थके हुए। अगला आपका शब्द है इन, IN, इन यानी मैं। अगला आपका शब्द है फोर, FOR, फोर यानी के लिए। अगला आपका शब्द है फास्ट, FAST, फास्ट यानी तेज। अगला आपका शब्द है थ्री, THREEE, यानी थ्री यानी तीन। अगला आपका शब्द है आउट, OUT, आउट यानी बाहर। अगला आपका शब्द है वर्ल्ड, WHRD, वर्ड यानी शब्द। अगला आपका शब्द है इज़ यानी यह। यह शब्द आपको किताब में उतार लेना है। बाकी इसमें अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम टाइपिंग मिस्टेक सुधार करके, अगर हो गई हो तो आप हम आपको वापस इसमें नया वीडियो बना देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें अपने सभी मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करें।